सभी को राधे कृष्णा। तो सभी पेरेंट्सों से निवेदन है, कुछ बातें जो मैंने सीखी है तीन साल के इस शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि इस 3 सालों में करीबन सैकड़ों 300-400 बच्चों के संपर्क में हम कोचिंग के थ्रू आ गए और 7-8 स्कूल हमने ऐसे पढ़ाने में कवर कर लिए। तो जब उन बच्चों को पढ़ाया और जितने भी अभिभावकों से पेरेंट्स से हम मिले, तो हमने देखा है कि सभी का कॉमन प्रॉब्लम रहता है, सभी का एक सामान्य सा प्रश्न रहता है कि बच्चों के जीवन के लिए, बच्चों की सफलता के लिए वो लगातार प्रयासरत रहते हैं और हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में वो पैसे खर्च करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, बहुत सारा परिश्रम करते हैं, खुद के खर्चे खत्म कर देते हैं, लेकिन जैसे हमारी कोचिंग है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स अपनी बच्चों की फीस के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो आज उसी विषय में आप बात करेंगे। तो आई एम राहुल मेवाड़ा, एक छोटा सा कोचिंग चलाते हैं जिसमें 50+ स्टूडेंट्स हैं और साथ ही साथ 7 से 8 स्कूल में पढ़ाने का अनुभव रहा है, जिसमें हमने सीखा है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चे घर पर आके पढ़ाई नहीं करते, वो स्कूल में जो भी काम दिया जाता है या कोचिंग में जो भी काम दिया जाता है फटाफट कर कर करके खत्म और खेलने कूदने चले जाते हैं या फिर मोबाइल में लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और आप उन्हें पढ़ने क्यों देना चाहते हो या क्यों पढ़ाना चाहते हो या क्या, या आपके पढ़ाने से क्या वो सफल हो जाएंगे? मेरे क्वेश्चन से आपसे, आप शायद कोशिश करिएगा इनको सोचने के, मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन बातों पे कि अगर आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, आप उनको अच्छा कोचिंग में, अच्छी कोचिंग दे रहे हैं, अच्छा स्कूल्स दे रहे हैं, अच्छे शिक्षक उनको पढ़ा रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो सफल हो जाएंगे? क्या आपको लगता है कि आप जैसा सोच रहे हैं, वो डॉक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंट, बैंक मैनेजर, आर्मी, पुलिस, डिफेंस, जो भी आप प्रोफेशन में उनको भेजना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि वो उसमें पहुंच जाएंगे, सफल हो जाएंगे? तो कुछ क्वेश्चन है, कुछ बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो मैंने सीखी है, जो मैंने देखा है। आज से कुछ समय पहले जब हम पढ़ते थे तो हमारी जम के पिटाई होती थी स्कूल्स में भी, घर पे भी, भयानक। भैया के हाथ में लकड़ी आई, लकड़ी से भैया ने धोया, दीदी ने, मम्मी पापा, बड़े पापा, जो भी मिला, गुरु, अगर पड़ोस के चाचा हैं, पड़ोस के अंकल हैं, मामा हैं, बुआ हैं, सब धोते थे, सब बुरा मारते थे और हम मार भी खाते थे और डर भी था। लेकिन आज के बच्चों में बिल्कुल नहीं है। और उसमें कहीं ना कहीं जो एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो माता पिताओं की रहती है, सपोर्ट उनको बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो आजकल टीचर्स भी ज़्यादा, मैं खुद ही, हम बच्चों को मारने पर मतलब बहुत सोचते हैं, मैं तो बहुत मारता हूँ, देखो ऐसे नहीं कि हर किसी को मारता हूँ, बट जहाँ पे जिन पेरेंट्स ने बोल रखा है कि हाँ आप, आपके सुपुर्द हैं, तो देखो मारना मेरी प्राथमिकता नहीं है, मुझे मारना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, लेकिन जब ऐसा लगता है कि बच्चे को मारना, क्योंकि कहते हैं ना भय बिन प्रीत नहीं होती है, भय बिन प्रीत नहीं होती है, तो मारना मेरे लिए प्राथमिकता हो जाती है। मैं ऐसे नहीं मारता, मैं समझाने में, पढ़ाने में हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को हर तरीके से समझाएं। तो हम आते हैं पॉइंट पे। तो आज के समय में आप सोच रहे हैं कि आप बच्चों को, बच्चे स्कूल से आए और घर पे वापस किताब काफी खोल के पढ़ने लग जाएं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो हमारी किताबें हैं, जो हमारी किताबों में जो छपा हुआ है ना, स्कूल्स में उसे इतने बेहतर तरीके से समझाया जाता है कि बच्चा खुद के अंदर, मतलब बच्चे के अंदर इंटरेस्ट आ जाए, रुचि आ जाए उसको पढ़ने में, ये सब नहीं पढ़ाया जाता है और नहीं पढ़ाएंगे। बहुत कम स्कूल्स में या बहुत कम टीचर होते हैं जो इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते हैं कि बच्चे में एक इंटरेस्ट आ जाए, मजा आए पढ़ने में, उसको अच्छा लगे, ऐसा नहीं होता है। दूसरा ये होता है कि वो किताबें जैसे ही पढ़ना शुरू करता है तो उसको नींद आने लगती है, बोरियत लगती है, उसको मजा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है पढ़ने में, कोई रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वो जब देखता है कि इन्हीं किताबों को पढ़ के हमारे बड़े भैया या आसपास में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पढ़ के 12वीं पास कर ली, डिग्री ले ली और बहुत सारे कोर्स वगैरह कंप्लीट कर लिया, लेकिन आज भी वो कुछ नहीं कर रहे। तो इन सब बातों को एक दरकिनारे रखते हुए मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अभी बच्चों के माता पिता हैं, लेकिन उससे पहले एक दोस्त बनिए, उसका एक बड़ा भाई बनिए,
उसको समझदार बनाने का प्रयास करिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आप माता पिता बनके उसे बस पढ़ाए 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 या पढ़ पढ़ पढ़, तो वो कभी नहीं पढ़ेगा ना, जीवन में सफल हो पाएगा। भगवान करे वो सफल हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ या बोलना चाहता हूँ कि बच्चों को समझाइश दीजिए कि पढ़ाई करने के ये फायदे हैं, ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। दोनों चीज़ें एग्जाम्पल्स बहुत हैं, लेकिन हम उनके पास बैठ, आप पैसे बहुत खर्च कर रहे हैं लेकिन समय नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों को समझाइश दीजिए, बच्चों को सिखाइए, उनको घर में बिठाइए, उनके साथ बैठिए, उनको बताइए, उनके साथ दोस्तों के दोस्त बनके ट्रीट करिए, वो बच्चा बहुत समझदार हो जाएगा। इसके एग्जांपल मैंने बहुत देखे हैं, जो पेरेंट्स बच्चों को, क्योंकि समझदार व्यक्ति जीवन में सफल होगा, ज़्यादा पढ़ने से कोई व्यक्ति सफल नहीं होगा। आज के समय में कॉलेज की डिग्रीज बहुत सारे लोग ले रहे हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ डिग्री है, समझ नहीं है। उनको अगर कोई सा फॉर्म भरने दिया जाए, साधारण सा बैंक का फॉर्म या किसी भी प्रकार का फॉर्म, वो फॉर्म भी नहीं भर पाते, उनको यही नहीं पता कि ये क्या होता है। आजकल इंग्लिश का बहुत क्रेज है, 2 1 2 2 2 4, लेकिन उसका अर्थ क्या है, क्या मतलब है? मम्मी पापा बोल रहे हैं कि 4 रुपए का सामान लिया ना, लेकिन बच्चे में ये समझ नहीं है 4 रुपए क्या होता है, वो तो 2 1 2 2 2 4 पे अटका हुआ है। अब उसमें गलती किसकी है? हम इंग्लिश मीडियम, अब इसमें इंग्लिश मीडियम की गलती नहीं है, मैं खुद इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश टीचर हूँ, तो ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा एटमोसफियर तो है ही नहीं उस प्रकार का वैसा, और हम बस इंग्लिश मीडियम। बच्चों को इंग्लिश में गिनती सिखाई जाए, लेकिन घर में जैसे छाछट बोलेंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा छाछट क्या है। हम खुद बच्चों को स्कूल के भरोसे छोड़ दिया, कोचिंग के भरोसे छोड़ दिया, लेकिन बच्चों को वो क्या कर रहा है, कॉपी में क्या लिख रहा है, हम कभी उससे पूछते ही नहीं, उसका बैग चेक करते हैं, बस स्कूल वालों के भरोसे, और स्कूल वाले चलाए जा रहे हैं, सब बढ़िया है। वो 7th क्लास में 8th क्लास में जाता है, 9th क्लास में 10th क्लास में जाता है, उसको हिंदी पढ़ने की समस्या आ रही है, उसको हिंदी पढ़ना नहीं आता है। अरे आप बच्चों को इतना सिखा दीजिए कि हिंदी पढ़ सके, इंग्लिश पढ़ सके, बेसिक कैलकुलेशन कर सके, ये चीज़ें जरूरी हैं। और जब आपने बच्चों को समझदार बना दिया, और बच्चों को समझदार बनाने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्कूल 6 घंटे के बाद उनकी, और उनके पास तो सिलेबस है, महंगी महंगी किताबें, लेकिन उस महंगी महंगी किताबों को पढ़ाने के लिए और उनको समझाने के लिए बच्चों में समझ डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मैं नेगेटिविटी बातें, नकारात्मक बातें नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ सीधी सी बात, मेरी बात का सार ये है कि बच्चों को समझदार बनाने पर जोर दीजिए। चीज़ें क्या हैं, बस से बदतर हो जा रही है, आप मेहनत करे जा रहे हैं, आप अपने जीवन का बहुत धन समय बहुत कीमती चीज़ें दिए जा रहे हैं, लेकिन आप सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो समय, वो नहीं दे रहे बच्चों को। बच्चों को बैठ के सिखाइए उन्हें क्या परिवार में रहना क्या है, साथ में खाना क्या है, बहुत सारी चीज़ें। बच्चों को ये सिखाइए खाना कैसे बनाते हैं, बात कैसे करते हैं, अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं, उनके साथ कैसे रहते हैं। हम लगाए जा रहे हैं पैसे स्कूल के भरोसे, स्कूल वाले कुछ, देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैं खुद कोचिंग चलाता हूँ, हम कोशिश कर देंगे बच्चों को सिखाएं, लेकिन यही है कि वो 1 घंटे 1.5 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के बाद 18 घंटे तो उन्हीं लोगों के साथ रहता है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी प्राथमिकता हो गई है, क्योंकि प्रथम माता पिता ही गुरु हैं। अगर माता पिता चाहेंगे तो बच्चे बहुत समझदार हो जाएंगे और जीवन में बहुत सफल होंगे, क्योंकि हर पल हर समय आप उनके साथ नहीं रहोगे, उन्हें खुद की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो उन्हें इतना समझदार बनाइए, उतना बहादुर बनाइए। आज के बच्चे डरपोक बने जा रहे हैं, बाहर जाते हैं तो उनको हिम्मत नहीं बनती, किसी से बात नहीं कर पाते, घर में वो बहादुर हैं लेकिन बाहर वो किसी से बोल नहीं पाते। अब उन्हें समझदार बनाएगा कौन? माता पिता, क्योंकि स्कूल वाले नहीं बनाएंगे, नहीं है उनके पास, और अगर वो बनाने का प्रयास करते भी है तो उनके सुनते नहीं। तो कोशिश करिए अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ 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 की जगह उन्हें समझदार बनाइए, ताकि बच्चे जीवन में सफल हो सकें, थोड़ा जीवन में कुछ अच्छा कर सकें, वो कुछ बने ना बने उससे पहले एक अच्छा इंसान बने। क्योंकि जब एक अच्छा इंसान बनेगा तो वो एक अच्छा बेटा होगा, एक अच्छा भाई होगा, एक अच्छा पुत्र होगा, एक अच्छा पोता होगा, नाती होगा, सब रिश्ते निभाएगा। और जब वो अच्छा इंसान बन जाएगा तो आप मानिए वो कितना सफल व्यक्ति होगा अपने जीवन में, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा,
तो कोशिश करिए कि बच्चों को पढ़ाओ पढ़ाओ से हटा के इंग्लिश मीडियम या ये जो तक्यानुसी जो बातें उनसे वास्तविकता पे आइए। बच्चों को समय दीजिए, उनका दोस्त बनिए। मेरा निवेदन है सभी माता पिताओं से, मुझे लगता है कि मेरी बातें शायद आपको आप ध्यान देंगे, क्योंकि हम मोबाइल में ये बाहर की दुनिया में बैठना हमें बहुत अच्छा लगता है, लोगों के दोस्तों के साथ बैठना, आप बैठिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि आज आपका बेटा अगर कल से अगर सफल नहीं हुआ तो आपके लिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी बनेगी, आपके दोस्तों के लिए या बाहर के लोगों के लिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना है, सिर्फ फर्क पड़ना है तो आपको। अब कोशिश आपको करनी है, आप अभी छोटे बच्चे हैं, छोटे वो गीली मिट्टी हैं, आप उनको कैसा आकार देना चाहते हैं वो आप पे निर्भर करता है। कोशिश करिए कि बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ, क्योंकि वो शिक्षा देना पड़ेगा आपको, संस्कार देना पड़ेगा आपको, कोई भी नहीं देगा और ना देंगे बच्चे माता पिता से ज्यादा किसी की नहीं सुन रहे हैं आजकल। तो कोशिश करिए कि बच्चों को समझदार बनाइए, उन्हें शिक्षित करिए, उन्हें संस्कारित करिए, ताकि वो एक अच्छे बेटे अच्छा बेटी एक अच्छी बेटी अच्छा भाई बहन समझदार बनी और अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बने। मुझे नहीं पता कि मेरी उम्र आपको ये बातें बताने लायक है या नहीं है, लेकिन मैंने जो चीज़ सीखी है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स से हम बात करते हैं, हम अक्सर जब बच्चे स्कूल नहीं आते, कोचिंग नहीं आते, तो हम फोन से बात करते हैं, तो वो पता लगता है कि जो गैप होता है ना एक पिता एक टीचर और बच्चों के प्रति, वो बहुत मैटर करता है। अगर मैंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई, आपने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई, मैंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई, आपने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई, बच्चा बेहतर होगा। आपको साथ देना पड़ेगा ना, आप अपने बच्चे की एक एक एक्टिविटी पर, उसके अच्छे व्यवहार पर, उसके हर काम पर ध्यान दीजिए कि वो क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, और उससे चिल्लाइए मत, गुस्सा मत करिए, क्योंकि गुस्से करने से कोई सुधरेगा नहीं। मारना जरूरी है, गुस्सा करना जरूरी है, लेकिन हर पल गुस्से करने से उसकी आदतें बेकार होंगी, अच्छी नहीं होगी। उसको समझने का प्रयास करिए, बच्चा कोई कमजोर नहीं है, बच्चा कोई भी कमजोर नहीं है, बस हमें समझ के उसके स्वभाव के अनुसार, उसकी शक्ति उसकी क्षमता के अनुसार काम करवाना पड़ेगा। आप कोशिश करिए, क्योंकि आपके अलावा आपके बच्चों को, क्योंकि आपके अलावा सच बता रहा हूं, आपके अलावा कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके बच्चों को एक सफल इंसान एक बेहतर इंसान बना सके। कृपया मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, और मुझे आशा है कि आप इन बातों को गौर करके कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे, अपने बच्चों को समय देंगे, क्योंकि समय देने से ही बच्चे समझदार होंगे। आप सोच रहे हैं वो पहले वाला समय चला गया है, एक नया समय है, टेक्नोलॉजी वाले समय है, वो किस किस आदतों में किस किस प्रकार की चीज़ों में उलझ जाएगा, कैसे लोगों के साथ कैसे दोस्त बनेंगे, किस प्रकार की आदतें होंगी। मेरी आपसे विनती है, बच्चों को समय दीजिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप महीने 2 महीने साल भर 2 साल समय दीजिए, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने बच्चों को समय देते हैं। शहरों में अक्सर ये चीज़ें होती हैं, उनके लिए फिक्स है, वो डेली अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये मैंने कई अपने पर्सनल एग्जाम्पल हैं, हमारे घर में हमारे परिवार में हमारे रिलेशन में जो लोग मेरे से अक्सर ये बातें करते हैं, मैं उनसे यही एडवाइस देता हूँ, यही सलाह करता हूँ, यही निवेदन करता हूँ, यही विनती करता हूँ। तो आपसे भी यही विनती है, यही निवेदन है कि आप भी क्या करें, अपने बच्चों को समय दीजिए, आपका बच्चा जीवन में इतना सफल होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है आपसे, ये मेरा विश्वास है, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। क्योंकि जब आप अपने बच्चों को सिखाओगे जिंदगी का सच क्या है, जिंदगी क्योंकि आप अपने जीवन का अनुभव उस बच्चे के साथ शेयर करेंगे और वो बच्चा समझदार होगा। अभी हमने बस स्कूल और कोचिंग के भरोसे छोड़ दिए, लोगों के भरोसे छोड़ दिए, स्थिति के भरोसे छोड़ दिए, मत छोड़िए मत, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, आपको उसका साथ देना पड़ेगा। इसी के साथ मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया ध्यान दीजिए। राधे कृष्ण।